बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हम यूनिट इलेवन में हैं और पेज वन 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 है औरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स हम साउंड्स यहाँ पे सीखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे स एंड ज या एस एंड ज साउंड इन प्लूरल्स प्लूरल्स में जो स और ज Uh, दो एस तो दोनों में आता है लेकिन किसी का साउंड ज से निकलता है और किसी का एस से ठीक है मेक प्लोर ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड टिक वंस विद एन एस साउंड एंड स्टार द वंस विद ज साउंड ठीक है अब ज साउंड जो है वो आपने स्टार उसके साथ लगाना होगा और जो स साउंड से है वहां पे टिक लगाना होगा पहले हम इसके ब्रूर बनाएंगे फिर हम साउंड्स की तरफ जाएंगे तो कैट क्या है कैट्स कार का होगा कार्स ग्लव ग्लव्स। पैट पैट्स स्टार स्टार्स प्लेट प्लेट्स बुक बुक्स पांडा pandas. अब हम यहां देखेंगे कौन सा एस साउंड से है और कौन सा ज साउंड से है केट केट्स तो ये स साउंड से है और साउंड हमने यहाँ पे पड़ा के स साउंड के साथ हम टिक लगाएंगे और स्टार हम ज साउंड के साथ लगाएंगे तो केट्स हैं तो टिक कार्स यहाँ पे कार्स लिखा तो ऐसे लेकिन साउंड इसका निकल रहा है ज तो स्टार ग्लव्स ये भी ग्लव्स ये भी ज साउंड निकल रहा है स्टार पेट्स ये स साउंड निकल रहा है तो टिक लगाएंगे स्टार्स के साथ फिर वही ज साउंड है या जेड तो हम स्टार लगा लगाएंगे प्लेट्स एस है टिक लगाएंगे बुक्स एस है स साउंड है तो टिक लगाएंगे पांडाज ये लिखा तो हमने यहाँ ऐसे प्लूरल है लेकिन साउंड इसका निकल रहा है पांडा ज साउंड तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार नंबर टू लर्निंग टू स्पीक लुक एट द गिवन साइंस एंड टेल व्हाट दे मीन ये साइंस आपको दिए हुए हैं और इन जो सारे साइंस अक्सर होते, है, होते हैं इनके मीनिंग्स होते हैं तो ये विक्ट्री का निशान है ये जो साइन है ये वेल्डन का है और ये परफेक्ट का है और साइंस का मतलब यही होता है कि अगर आप मुँह से कुछ ना भी बोलें और ये साइन शो करें तो इसका मतलब है विक्ट्री या वेल्डन या परफेक्ट रीड द अबाउ साइंस एंड प्रैक्टिस दैम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में देखते हैं क्या है रीडिंग कम्प्रिहेंशन है आंसर दीज क्वेश्चन वट इज द कलर ऑफ द किटी केट किटी केट का क्या कलर है तो हमने यहां पे पढ़ा किटी केट का ब्लैक एंड व्हाइट कलर है ठीक है तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लूंगी The color, of, the color of the kitty cat is black and white. नंबर टू है एट वट टाइम डज द केट स्लीप एंड प्ले किस टाइम पर केट सोती है और खेलती है इसका आंसर मैं यहां पे से शुरू करती हूं द केट द केट स्लीप्स At daytime and play at night. Where did the cat like to rest? the cat likes to rest on a chair. read the given calendar and answer the questions. january, february, march, april, may, june, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर। ये ट्वेल्व मंथ्स हैं और कैलेंडर में बारह महीने होते हैं ठीक है ये टोटल ट्वेल्व है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अयर तो यहाँ पे आप आंसर लिखिए देयर आर ट्वेल्व मंथ्स ठीक है सिर्फ नंबर लिखिए ट्वेल्व ट वट इज योअर बर्थ डे मंथ आप किस मंथ में पैदा हुए हो ठीक है तो आपका जो जो भी मंथ है वो आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपका मार्च है तो बर्थ डे मंथ आपने लिखनी है नेम दिक्स मंथ ऑफ अ इयर जो सिक्स मंथ है यानी छठा महीना है का नाम लिखे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जून है तो हम जून लिखेंगे अंडरलाइन कैपिटल लेटर्स एंड सर्कल पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंसेस आपने यहाँ पे जो गिवन सेंटेंसेस है उसमें कैपिटल लेटर्स को अंडरलाइन करना है और जो जहां पे पंक्चुएशन यूज हुए हो वहाँ पे आपने सर्कल करना है तो पंक्चुएशन इस ये है पहले मैं आपको बताऊं ये पंक्चुएशन है ये कॉमा ये फुल स्टॉप वाई आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद तो अंडरलाइन कैपिटल लेटर ये कैपिटल लेटर यहाँ पे यूज हुआ है और ये इस्लामाबाद का जो आई है वो कैपिटल है दिस इज माई कैट किटी टी कैपिटल है और के कैपिटल है वट इज़ यूर फेवरेट वट इज़ यूर फेवरेट अच्छा ठीक है ये कैपिटल है और ही इज अ पुलिस तो ये एच इसमें कैपिटल है अच्छा यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसको हमने सर्कल करना है तो एक ये है क्वेश्चन मार्क और ये कामा और यहाँ पे फुल स्टॉप इसको हमने सर्कल कर लिया रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स द कलर ऑफ द किटी केट इज ब्लैक एंड वाइट द कीटी केट इट्स इट्स फूड कब वो खाती है एट डान ठीक है सुबह खाती है डान टाइम मैंने आपको बताया सुबह का टाइम होता है द कीटी केट वॉन्ट्स टू हैव अरेस्ट ऑन द चेयर लैंग्वेज फोकस में है वो कैबलरी बिल्डिंग रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और इसके इंग्लिश मीनिंग्स भी आपको दिए हैं डॉन फर्स्ट लाइट ऑफ द डे जो सुबह सवेरे का टाइम होता है उसको डॉन कहते हैं एडॉप्ट का मतलब है चूज टू टेक स्ट्रेच का मतलब है टू लाइट डाउन टू टेक रेस्ट लेटना राइमिंग वर्ड्स गिवन राइमिंग वर्ड्स नाइट वाइट फेड हेड, मूड फूड राइट यूर ओन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स आपने अपने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं और ये मैंने आपके लिए पहले से लिखे हुए हैं आइस नाइस बॉल

खरीद सकती हैं मदर यस योर उजमा थैंक यू ममा मदर यू आर वेलकम नंबर टू लर्निंग टू स्पेल रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स इज डेट फिट यस विल मी वुड माई दिस वन लाइक like. आपको ये बॉक्सेस दिए हुए हैं और आपने ये वर्ड्स इसमें फिट करने हैं इसके शेप के मुताबिक यहाँ पे थ्री बॉक्सेस हैं जो छोटे हैं और ये ज्यादातर जो लेटर्स हैं ग्रास लेटर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे पास ग्रास लेटर ये हैं ओ एन वन e अब यहाँ पे दो बॉक्सेस छोटे हैं और दो बड़े हैं तो यहाँ पे ये होगा देखते हैं दिस क्योंकि टी स्काई लेटर है और एच भी स्काई लेटर है बड़े बॉक्सेस में आएगा और साथ दो ग्रास लेटर है वो छोटे बॉक्सेस में आएगा अब चूटते हैं ये कौन से वाले में फिट आता है चलो पहले ये करते हैं फिर हम उसको ये कर लेंगे वुड डब्ल्यू ग्रास लेटर है ओ बी और यू बी और एल और डी स्काई लेटर है ये भी हो गया और यहाँ पे आएगा विल बिल और आई ग्रास लेटर है और एल डबल एल है ये स्काई लेटर्स हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो आपको तीन किस्म के स्पेलिंग दिए हुए है और आपने सही वाले को सर्कल करना है तो डाउन का जो सही स्पेलिंग है वो डी ओ डब्ल्यू एन है चेयर का है सी एच ए आई आर स्ट्रेच का स्पेलिंग है एच टी आर ई टी सी एच एडाप्ट का सही स्पेलिंग है ए डी ओ पी टी अडाप्ट और हैपी के सही स्पेलिंग है एच ए डबल पी वाई हैप्पी